इंदिरा गांधी चौक को आज 25 साल पूरे हुए और इसके निमित्त आज यहाँ पर एक बहुत सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है। जहाँ तक वीपी गोरा गांधी जी का सवाल है, इस पूरे क्षेत्र में अभी आपके सामने वो बात कर रहे थे कि मुझे खुशी है कि मैं 25 साल पहले जब चौक का उद्घाटन हुआ था तब मैं था और जस्टिस चिनाई ने किया था। एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, गरीबों की मदद करने वाले थे। उसी के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी भी उन्होंने बहुत मदद की, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका ने 25 साल पहले इस चौक का नाम वीपी गोरा गांधी चौक दिया। I would like to extend a very warm welcome to everybody and before starting the function formally, कहते हैं हर अच्छे काम की शुरुआत गणपति जी को याद करके करनी चाहिए। सो एक दो लाइनें उनके नाम मैं करती हूँ और आज का फंक्शन शुरू करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु हे मजाम सुतम भुजम गणेश मीश नंदनमम एक दंत वंत्र तुंड नाग यज्ञ सूत्रकम नमोस्तुते गजाननम नमोस्तुते विनायकम नमोस्तुते गजाननम। वेल विद दैट डन हमारे सारे ऑब्स्टिकल्स आज के फंक्शन से हमने रिमूव कर दिए गणपति जी को याद करके। सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज and the members of the press and all the friends and press and media gather out here. Shri Premal Gore Gandhi is truly honored to welcome you all in this august gathering to honor and cherish the memory of his great and illustrious grandfather Shri B.P. Dr. B.P. Gora Gandhi, who apart from being one of the most exemplified humanitarian doctor was also a fearless फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर अ ग्रेट नेशनल इंडिपेंडेंस। वो सिर्फ ना एक मानवीय डॉक्टर थे, उसके साथ साथ वो एक निडर स्वतंत्र सेनानी भी थे। वेल इट इज सेड दैट जिंदगी में कुछ भी परसिवियरेंस डेडिकेशन मेहनत के बिना अचीव नहीं हो सकता एंड ही वॉज सच अ जेंटलमैन। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस टू यू समबडी वेरी 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 स्पेशल टू अस। ऐसे एक प्रशंसनीय व्यक्ति से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगी। अ डायनामिक होस्ट श्री प्रीमल गोरा गांधी हु इज नॉट ओनली अ सक्सेसफुल बिल्डर बट ऑल्सो रेनाउंड एंड अ प्रोमिनेंट नेम इन द फिल्म इंडस्ट्री बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोड्यूसिंग लवली कमर्शियल फिल्म्स एज वेल एज होल्डिंग मेनी प्रोमिनेंट रोल्स सच एज बीइंग द ट्रेजरर ऑफ द रेनाउंड रेडियो क्लब एंड of course the vice president of BJP Colaba Wild Vidhan Sabha under the leadership of Mr. Raj Purohit. He has also been instrumental in spearheading many a social cause for the upliftment of the weaker section of the society. Zaruratmand ki sahayata ke liye wo bejod mehnat karte hain aur puri ji jaan laga dete hain. And with this I would like to call upon our
friend out here and the dynamic Mr. Premal Gora Gandhi to come up to the podium and say a few words about his legendary grandfather, Shri B.P. Gora Gandhi. Friends, it gives me a great pleasure and privilege to welcome you all on the glorious day of anniversary of my dearly departed grandfather's chalk, who was not only a noble doctor but also a freedom fighter who served the people of his land in every way possible. I am truly overwhelmed to see such a prominent faces on the podium, and I am humbled by your presence in joining me to pay homage to memory of my great-grandfather. I would request my honored guest to enlighten us with few words. I would like to introduce Shri Mangal Prabhatji. Mangal Prabhatji Lodha, founder of one of India's leading real estate companies, the Lodha Group, Vice President of BJP Maharashtra, MLA from Abar Hill, and social activists. And I would like Premalji to please grace him with a floral bouquet. A felicitation of a floral bouquet. Thank you so much for gracing this occasion with your presence. Thank you. अब मैं मिसेस भूमि प्रीमल गोरा गांधी से गुजारिश करूंगी टू ग्रीट श्री राज के पुरोहित मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र बीजेपी एंड एन एक्टिव सोशलिस्ट विद अ ब्यूटिफुल फ्लोरल फेलिसिटेशन. भूमि जी, इट इज इंडीड अ प्रिविलेज हैविंग भूमि जी ऑल्सो विद अस. थैंक यू भूमि जी. अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमती नियति गोरा गांधी टू एक्नॉलेज श्रीमती शायना एनसी बीजेपी ट्रेजरर महाराष्ट्र यूनिट नेशनल स्पोक्सपर्सन फॉर बीजेपी एंड द क्वीन ऑफ ड्रेप्स विद अ लवली फ्लोरल फेलिसिटेशन. वी कैन सी हाउ ब्यूटिफुल शी ड्रेप्स हर बॉडी इन द लवली कलरफुल सारी. ब्यूटिफुल. आई वुड रिक्वेस्ट करण गोरा गांधी जी टू प्लीज वेलकम श्री सुशांक जी प्लीज विद अ लवली फ्लोरल फेलिसिटेशन. Our stars of Bollywood are here with us. So, ek bari taaliyan ho jaye zordar. We have lovely dignitaries and people from Bollywood also with us. And I would request Mr. Manak Gora Gandhi to please felicitate Mr. Gunwan Sheth, please, with a floral felicitation. Gunwan Sheth ji is the ex-municipal corporator and a renowned social activist. And he was very, very close to the grandfather of Premal ji. Hum chahenge, please, aap podium pe yahan se, I've got a mic, okay. Please say a few words. Hello. Humare sabke laadile, most active MLA Mangal Prabhat Lodha ji. दूसरे एक्टिव एमएलए राजपुरी जी, हमारी बहन साइना एनसी प्रेमल, उनकी फैमिली, मुझे तो लगता नहीं 25 साल निकल गए. 1991 में मैं 78 में चुन के आया और 91 में दिनेश शाह और किरण गोरा गांधी मेरे को मिलने आके, भाई मेरे पापा का नाम देना है. बोला कहाँ देना है, ये चौक का नाम देना है. अभी आपको मालूम है कि मैंने उसका बायोडाटा मंगाया और मुझे लगा कि नहीं, इट इज सुटेबल टू गिव द नेम आफ्टर गोरा गांधी. मंगल जी, मैं जब पहला चुन के आया ना, तो दो तीन लोग मेरे पास आए कि मेरा पापा का नाम देना है. तो मैं बोला बाबा, पापा फ्रीडम फाइटर है, एमएलए है, कॉरपोरेटर है, सोशल वर्कर है, क्या है? नहीं नहीं, मैं आपको 10,000 रुपये देता हूँ, मेरा पापा का नाम दे दो. लेकिन क्या देने का, क्या बायोडाटा दीजिए. तो मैंने ढूंढा तो उसका पापा दारू का धंधा करता था. तो इस तरह का बस प्रपोजल आते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं उसका चौक का नाम दे दूं. जैसा मणिभवन चौक है, भारतीय विद्या भवन चौक है, सब सब चौक का हमने नाम दे दिया ताकि गलत आदमी का नाम दिया ना जाए. धीरू भाई मेहता यहाँ बैठे हैं, हमारे बहुत उसके फैमिली बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे.
एक ही बात कहना चाहता हूं कि किरण गोरा गांधी और उसके पिताजी जो ताड़देव में रहते थे, हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था। और मैं प्रेमल को धन्यवाद देता हूं कि आज 25 साल के बाद 1991 में चौक का नाम दिया था, और इसके बाद 25 साल कैसे गुजर गए, कैसे निकल गए, मुझे तो पता नहीं चलता है। जब दिनेश साहब मेरे पास आए कि भाई प्रेमल ने एक इनविटेशन कार्ड दिया है, गोरा गांधी चौक का नाम दिया था, उसका 25 इयर्स हो गया है। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया और मुझे तो सबसे तुम्हारा सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि मैंने चौक का नाम दिया और आज मैं उसके कारण पूछता। मैं मंगल जी, चाइना जी, राजपुरे जी, तो लगता है परमानेंट एमएलए ऐसा लगता है मुझे। यू ऑल आर परमानेंट एमएलए फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। चाइना जी, आप भी बहुत काम करती है। जब आज ही आता ना भाई, तब योगा का आपका मरीन ड्राइव पे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम करती है, मोर देन एमपी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रेमल फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू गुणवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा टू से अ फ्यू वर्ड्स फॉर प्रेमल जी एंड ऑफ कोर्स आज के मुबारक दिन के लिए। थैंक यू। मैं सबसे पहले श्री बीपी गोरे गांधी जी, जिनकी स्मृति में ये चौक बनाया गया था, उनकी पवित्र स्मृति को और उनके कामों को वंदन करना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके परिवार के लोगों का, बीपी गोरे गांधी जी और अन्य के परिवार, प्रेमल गोरा गांधी जी, उनके परिवार के सभी सदस्य, उनके सभी हितेशी, आदरणीय राजपुरोहित जी, श्रीमती साइना एनसी जी, प्रसिद्ध टीवी स्टार सुशांत सिंह जी, गुणवंत भाई सेठ, भाजपा के नेता श्री नरेंद्र भंडारी जी, धीरूभाई मेहता जी, अन्य सभी माननीय गण, समय की मर्यादा है, आप में से सब लोग यहाँ पर संडे के दिन आए हैं, छुट्टी के दिन आए हैं, तो इसका कारण न केवल गोरा गांधी परिवार का आमंत्रण था, बल्कि कहीं ना कहीं जिनके नाम पर ये चौक बना और जिसकी 25वीं जयंती है बीपी गोरा गांधी जी, उनके बारे में भी आपको जानकारी थी। मैं दो छोटी छोटी बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर लूंगा। एक, गोरे गांधी परिवार, इसका नाम न केवल इस चौक के ऊपर बल्कि मुंबई के कई प्रमुख स्थानों के ऊपर चौक के रूप में न सही पर कामों के रूप में उनकी छाप आज भी लोगों के मन के अंदर है। गांधी का नाम है तो स्वतंत्रता सेना से जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा के भावना से जुड़े हुए हैं, पर साथ में साधारण गांधी नहीं है, गोरे गांधी हैं, इसलिए जहां भी जाते हैं वहां अपना झंडा गाड़ जाते हैं, आगे रहते हैं। और गोरे गांधी परिवार के सभी लोगों ने जीवन के अंदर जहां जहां काम किया है, मैं आपकी एक गोरे गांधी परिवार की एक महिला हमारी नगर सेविका भी थी, फिर आपके होम्योपैथिक के भी कई आयुर्वेद कई आपके हॉस्पिटल चलते हैं, क्लिनिक चलते हैं, मेरी विधानसभा में ताड़दे में भी आपका एक बड़ा कामकाज है, तो बहुत अच्छा परिवार आपका रहा है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको ईमानदारी से अपने मन की बात बता रहा हूँ। और आपने जो आज ये काम किया है वो आपके ग्रैंड फादर को आपने सही श्रद्धांजलि अर्पित की है। होता ये है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जिंदगी के अंदर आपको कितने पुष्प मिले गुणवंत भाई, उसकी वैल्यू नहीं है, पर आपके जाने के बाद में कितने लोग आपको याद करते हैं वही आपको सही आपके कामों की पहुंच है। और मुझे लगता है कि आपने जो नाम दिया था, आज यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आए हैं वो उस नाम को श्रद्धा प्रदान करने के लिए, और उसके साथ में उनके जीवन के बारे में एक छोटी सी किताब या कोई छोटा सा कोई जानकारी, उनके जीवन के खास काम क्या थे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपका परिवार श्रमबद्ध है, मेरा दुर्भाग्य है कि आप चौक आपका यहाँ बना हुआ और आप राजपुरोहित जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, नहीं तो मेरे वोटों में और मेरे सपोर्टर में ज़्यादा वृद्धि होती थी। पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आज इधर ही रहते हैं तो फिर आप इनको कोलाबा भाजपा का उपाध्यक्ष मत बनो, मलबार हिल का बनने दो। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गोरा गांधी जी कि आप इसके बारे में सोचिए। देखिए, ऐसा है कि जीवन के अंदर पैसा कमाना, अपन घर बार छोड़ के आए तो पैसा कमाने का सबके मन में रहता है, कोई नौकरी करके करता है, कोई व्यापार करके करता है, पर
अपने परिवार के अंदर कोई ऐसा नाम हो जिसको लेके समाज भी गौरव का अनुभव करता हो, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है धीरूभाई के उस नाम को हम कैसे और अच्छा आगे बढ़ा सकते। तो मन को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आप आगे बढ़े, हम सब आपके साथ में। धन्यवाद। मैं आयोजकों से माफी मांग के मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसे जल्दी जाना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मोतियों जैसे अल्फाज आपके मुंह से सुन के हमको बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप फंक्शन में आए। एक फेलिसिटेशन, वी हैव टू डू वन मोर फेलिसिटेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट